इंस्पेक्टर चिंगम, मैंने आपके कहने पे इन दोनों को हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का जॉब दे दिया है। उम्मीद है ये बहुत ईमानदारी और लगन से काम करेंगे। आप चिंता ना करें, ईमानदारी तो इनमें कूट कूट के भरी है और लगन तो इतनी है कि जो काम हाथ में ले लेते हैं वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। बड़े भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम उम्मीद से ज्यादा काम करेंगे। अया माँ मोटू, ये तुम्हारे बड़े भैया नहीं है, ये डॉक्टर मिश्रा है। मिश्रा ये इस हॉस्पिटल के इंचार्ज है। सॉरी सॉरी, ओके बड़े भैया, आज से हम आपको डॉक्टर मिश्रा ही कहेंगे। मोटू पतलू, जल्दी से एक स्ट्रेचर लेकर बाहर जाओ, कोई नया केस आया है। यस सर। पतलू, ये स्ट्रेचर तो हिल भी नहीं रहा, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम कुछ करो। अरे तुम उल्टी तरफ से धक्का दे रहे हो। सॉरी सॉरी। अरे रुको तो सही, मुझे भी आने दो। लगता है पेशेंट वहाँ है, वो देखो भीड़। पेशेंट कहाँ है? पेशेंट कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। चिंगम सर, आपको क्या हुआ? ये चिंगम सर कहाँ गए? चिंगम सर, आप बार बार वहां क्यों चले जाते हो? चिंगम सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? अयो, अभी तक तो ठीक थी, लेकिन अब तुम दोनों आ गए हो तो कुछ नहीं बोल सकते। अरे ये पैर ऊपर क्यों लटकाया है? एक तो पैर जख्मी है, ऊपर से लटका दिया है, ये डॉक्टर लोग भी ना कमाल करते हैं। ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने पैर को ऐसे ही ऊपर रखने को कहा है। सॉरी सॉरी, मैं अभी पैर को ऊपर कर देता हूँ। छूना मत मेरे पैर को। अरे पैर को ऊपर करने के लिए छूने की जरूरत नहीं है, हम वार्ड बॉय हैं, हर काम के लिए ट्रेंड है। अभी इस बेड के पिछले हिस्से को ऊपर उठा देता हूँ। अयो माँ, नीचे करो, नीचे करो। ओह सॉरी सॉरी। क्या कर रहे हो? बस करो। अम्मा, मुझे निकालो। सर, आपका बेड ठीक हो गया है, चलो आपको उधर लेटा देता हूँ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, दूर रहो। ये मेरा बेड है। आप इनके बेड पर लेट जाइए, हम डॉक्टर को बता देंगे। अच्छा। माँ
हा? उस मरीज को चिकन और मुझे खिचड़ी। आपका ब्रेन का ऑपरेशन है, उसके बाद दिल का ऑपरेशन है, आपको यही खाना मिलेगा। ब्रेन ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन, अयो माँ ये क्या हो रहा है? चिंगम सर, मैं आपके लिए अच्छा खाना लेके आता हूँ, तब तक आप सूप पियो। मैं सूप में सॉल्ट पेपर डाल के इसे और टेस्टी बना देता हूँ। चिंगम सर परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना यहाँ। अब देखना ये सूप कितना टेस्टी हो जाएगा। चिंगम सर, ये कौन सी नई भाषा बोल रहे हो? ये ग्लू मिला के सूप पिला दिया। सर सर, आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? कुछ तो गड़बड़ है, लगता है आपके मुंह का भी ऑपरेशन करना होगा। मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। चलिए पहले आपकी ब्रेन का ऑपरेशन होगा। डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अयो माँ, मेरा नहीं, मोटू के ब्रेन का ऑपरेशन करो। चिंगम सर रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? सर रुक जाओ, हम आ रहे हैं। चिंगम सर चलिए, मैं तो आपके लिए तंदूरी चिकन लेकर आया हूँ। तुम दोनों मेरा ही तंदूरी बना दोगे, मैं नहीं आऊंगा। सर रुक जाओ, आपको कानून की कसम, भारत माता की कसम, खुद को हॉस्पिटल के हवाले कर दो सर। अया माँ, इनसे मेरा पीछा छुड़वाओ। मोटू पतलू के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। सर ये स्ट्रेचर हम आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप इसमें आराम से लेट जाओ, हम आपको रूम में ले जाएंगे। तुम दोनों तो मुझे हमेशा के लिए लिटा दोगे। सिपाहियों तैयार, अटैक। अयो माँ, नहीं। आपके साथ इतना सब कैसे हो गया? मैं पूरी इंक्वायरी करूंगा। अभी आपकी सेवा के लिए मैंने दो खास आदमी रखे हैं, जो आपको पेशेंट की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह प्यार से ट्रीट करेंगे। मोटू पतलू, अंदर आओ। नहीं। इन्हें क्या हुआ? ओ
चाय वाले भैया जरा एक गर्मा गर्म चाय दे दो, दूध ठोक के मलाई मार के अदरक डाल के। यार पातलू, ये मोटू किधर है? वो सुपरस्टार सूर्य कुमार की नई पिक्चर का टिकट लेने गया है, रात से ही जाके लाइन में लगा हुआ है। रात से? उसका दिमाग तो ठीक है? पातलू घसीटो। पातलू ये देखो मेरे हाथ में क्या है। सूर्य कुमार के फिल्म का टिकट? जी हाँ, आज 12 से 3 बजे का शो है। टिकट? अरे पतलू कुछ करो। अब ये टिकट किसी काम का नहीं रहा, वो पानी में बह गया है। कल फिर से टिकट ले आना, ओके? नहीं, मैं तो आज ही फिल्म देखूंगा। पहला दिन पहला शो, मेरे सुपरस्टार की पिक्चर है। अभी चलो फिर से टिकट खरीदेंगे। ओ चलो हम भी तो देखें कि ये सूर्य कुमार की पिक्चर में ऐसी क्या बात है। इस मारा मारी में तो टिकट लेना मुश्किल है। इस भीड़ को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ कैसे टिकट लेंगे। कबड्डी 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 बाएं हाथ का खेल तो फेल हो गया, अब क्या करोगे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो। इसे खाओ और शुरू हो जाओ। जय हो। कबड्डी 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 कबड्डी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे टिकट चाहिए, एक टिकट प्लीज, एक टिकट। अरे इस बच्चे से कहो इतने रोने की जरूरत नहीं है। कल से सूर्या कुमार की शूटिंग हमारे फुरफुरी नगर में ही हो रही है। अरे वहाँ जाकर सूर्या से ही मिल ले। क्या सच? जाओ, कल मैं सूर्य कुमार से मिलूंगा, मैं उससे ऑटोग्राफ लूंगा, उसके साथ फोटो खिंचवाऊंगा, उसको डिनर पे इनवाइट करूंगा। उड़ी बाबा, ये तो सूर्य कुमार के लिए पागल ही हो गया है। पतलू पतलू क्या है? सुबह हो गई। अभी रात के 1 बजे हैं, सो जाओ। पतलू पतलू क्या है? कितना बजा है? अब तो सुबह हो गई होगी। अभी रात के 2 बजे हैं। अरे सो भी जाओ, ना खुद सो रहे हो ना मुझे सोने दे रहे हो। पतलू, सूर्य कुमार से मिलने के लिए क्यों ना हम अभी से जाके लाइन लगा ले। मोटू वहाँ टिकट की बुकिंग नहीं हो रही, जो लाइन लगाओगे। सो जाओ प्लीज। पतलू अब पतलू अब क्या है? मैंने मुर्गी की बांग सुनी है, लगता है सुबह हो गई। ओफो, सुबह के 3 बजे है, सो जाओ प्लीज। दूर रहो, सब इस रस्सी के घेरे से बाहर रहो प्लीज। साइड हटो भैया। कहाँ जा रहे हो? सूर्य कुमार से मिलने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। अरे ये सिक्योरिटी वाला अपने आप को समझता क्या है? जाने दो, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उड़ी बाबा, इस हीरो से तो मिलना बहुत मुश्किल है, चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं अगर मिल नहीं सकता तो कम से कम एक झलक देख के ही जाऊंगा। पतलू चलो इस पेड़ पे चढ़ के देखते हैं, ऊपर से वो दिखेगा। वो
देखो सूर्य कुमार, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर ठीक से दिखेगा। अरे मेरी कमर तोड़ दी यार। उड़ी बाबा, मेरी भी हड्डी पसली टूट गई। मारो, ये दोनों ही हमारे ऊपर गिरे हैं। अरे नहीं। आइडिया। चलो साइड हटो, ये उधर जाओ, पीछे हटो, पीछे। इस रस्सी से दूर रहो। पीछे हटो, पीछे। कोई अंदर नहीं जा सकता, इस रस्सी से दूर रहो। चलो साइड हटो, ये उधर जाओ। तुम उस तरफ जाके भीड़ को कंट्रोल करो। जाओ जल्दी। अरे मोटू पतलू, ये सिक्योरिटी का ड्रेस कहाँ से लाया? एकदम असली लग रहा है। मोटू, एक ड्रेस हमको भी लाके दो, फिर हम सीधा सूर्य कुमार से मिलने के लिए जाएगा। क्यों हमें पिटवाना चाह रहे हो? चुप नहीं रह सकते? सिक्योरिटी वाले सुन लेंगे। हमने सुन लिया है। रुको, मारना है तो एक एक करके मारो। उड़ी बाबा, ये लोग तो मेरी हड्डी पसली तोड़ के रहेंगे। मारो इन्हें। आइडिया। पतलू, तुम्हारा ये टनल खोदने वाला आइडिया बहुत अच्छा है, अब हमें कोई सिक्योरिटी वाला नहीं रोक सकता। अब हम सीधा शूटिंग के सेट पे निकलेंगे, सिक्योरिटी वाले को पता भी नहीं चलेगा। अब हमें सूर्य कुमार से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, सब कहाँ गए? ए भाई सुनो जरा, यहाँ जो शूटिंग हो रही थी वो लोग कहाँ गए? आज यहाँ शूटिंग कैंसिल हो गई है, वो चाय वाले की दुकान के सामने है। चाय वाले के दुकान के सामने, यानी कि हमारे घर के पास। अरे बेवकूफ बद्धू, क्या आइडिया देते हो? घर के बाहर शूटिंग चल रही है और हम यहाँ सुरंग खोद रहे हैं। भैया वो शूटिंग कहाँ हो रही है? वो तो अभी अभी गए हैं। सूर्य कुमार ने यहाँ बैठ के मेरे साथ चाय पी, फोटो भी खिंचवाई। ये देखो। ओ मोटू मेरे बड़े प्रा, ये देखो मेरे साथ भी फोटो खिंचवाई है। मेरे साथ भी, ये देखो उसने अपना कार्ड भी दिया और बोला कि मुंबई आना तो जरूर मिलना है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पुरपुरी नगर की तरफ से उनका स्वागत समारोह है। जाओ, अभी भी एक मौका है। मैं तो नकली हीरो हूँ, आपने देखा मेरे सारे स्टंट फाइटर लोग करते हैं। मैंने सुना है यहाँ पुरपुरी नगर में मोटू पतलू नाम के दो सुपर हीरो रहते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, हर खतरा खुद उठाते हैं। असली हीरो नंबर वन तो वो है। मैं जब से यहाँ आया हूँ उनसे मिलना चाह रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। एक दिन तो मैंने जानबूझ के उनके घर के सामने शूटिंग की ताकि उनसे मिल सको, लेकिन वो घर पे नहीं थे। शायद वो दूसरों की मदद में बहुत बिजी है। काश मैं उनसे मिल पाता। मोटू पतलू पतला ले लू, मोटू पतलू पतला ले ला, मोटू पतलू पतला ले लू, ओए ओए मोटू पतलू। फोटो खींचो, ऑटोग्राफ दीजिए, हम मोटू पतलू हैं। अरे अरे अरे, आप मोटू पतलू हैं? आप इतने नाराज क्यों दिख रहे हैं? पूछो मत, बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी है। फोटो खींचो।